इरफान हम हिंदुस्तानियों का दुलारा कलाकार। इरफान का शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन काम पीछे है, यादें हैं और उन यादों को संजोने वाले दोस्त भी। इरफान के ऐसे ही एक दोस्त से हमने बात की, अशोक लोखंडे से। अशोक इरफान के एनएसडी के दिनों के साथी हैं, 1987 पास आउट बैच। अशोक खुद भी एक्टर हैं, काफी फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आप उन्हें सीरियल दिया और बाती के भावासा के रूप में जानते हो, फिल्म रमन राघव में भी देखा होगा। हमने उनसे इरफान के शुरुआती दिनों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें खूब समय दिया, दिल खोल कर बातें की, कभी हंसे तो कभी इमोशनल हुए। जानिए कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे याद करता है। इरफान और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में एनएसडी एंट्रेंस पास किया था 84 में, बल्कि एक ही वक्त में हम दोनों का इंटरव्यू हुआ था। चश्मा पहने हुए गमगीन मुद्रा में बैठा हुआ इरफान कुछ सोचता हुआ, दोनों का पहली ही बार में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ यूं था कि एक पैनल होता था, थिएटर की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद होते थे, वो सबको कुछ न कुछ एक्ट करने बोलते थे। एक इंटरव्यू भी होता था जिसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते, किस लिए आए हो, क्या करना चाहते हो, थिएटर को लेकर क्या सोचते हो, इस तरह के सवाल। एक सवाल ये भी होता था कि क्या पहले कोई प्ले वगैरह किया है। बहरहाल एनएसडी में एंट्री मिल गई, नया जीवन शुरू हुआ। वहाँ सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की क्लासेस होती थी, योगा, मार्शल आर्ट वगैरह। उसके बाद एक्टिंग क्लासेस। हम कुछ लोग थे जो 24 घंटे एक्टिंग के बारे में ही सोचते रहते थे, उसी की बातें। 18 लोगों का बैच था हमारा, उनमें से कुछ लोगों ने एक्टिंग को चुना और बाकियों ने प्रोडक्शन। वर्कशॉप्स होती थी जिनमें बाहर से लोग आते थे, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका से, भारत के थिएटर दिग्गज भी। कैरेक्टर बिल्डिंग, इम्प्रोवाइजेशन करवाते थे। वो लोग प्ले करते थे तो हमारे बीच कंपटीशन चलता था कि कौन मेन रोल हासिल करेगा। डायरेक्टर को इम्प्रेस करने की होड़ लगी रहती थी। इरफान हमेशा शांत बना रहता था। दुनिया ने कामयाब इरफान को देखा है, मैंने इरफान को जीरो से देखा है। इरफान, मैं, आलोक, इदरीस और अमित, हम लोग एक्टिंग के मामले में बहुत जुनूनी होते थे और सबसे ज्यादा होता था इरफान। वो बहुत ज्यादा खोजबीन के चक्कर में रहता था। एनएसडी के कुछ एक्टर्स का एक घोंसला था, वहां पर छोटी छोटी चीजों के इम्प्रोवाइजेशन के सेशन चलते थे और उनके बाद उस पर डिस्कशन होता था। उनमें सबके अलग अलग व्यूज होते थे। इरफान के व्यूज सबसे डिफरेंट लगते थे, स्लो लगते थे। हम उसे चिढ़ाते भी थे कि कितना ढीला है, पर वो वैसे ही करता। जैसे मान लीजिए हमें कोई जंगली जानवर बनना है, तो उसमें भी इरफान हमेशा स्लो जानवर चुनता, जैसे कछुआ। हम कहते कि तू साला जानवर भी ऐसा चुन रहा है जो सुस्त है, क्या पता था कि ये कछुआ ही एक दिन रेस जीत जाएगा। हाँ, वो एक और चीज करता था, एक्टिंग के साथ साथ वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी करता था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे सवाल। एक बार तो ऐसा हुआ कि तंग आकर एक डायरेक्टर ने कह ही दिया, आई एम हियर टू टीच यू एक्टिंग, नॉट फिलॉसफी। हालांकि उसकी ये जिज्ञासा हमारे भी काम आती थी। उसकी क्यूरियोसिटी से जो जवाब हासिल होते थे उनका हम सबको लाभ मिलता था। एकदम अलग दुनिया में ले जाता था इरफान। उसकी जिज्ञासा हमारे लिए कॉमेडी का विषय था, हम बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये एक्टिंग के अलावा भी ऐसे सवाल पूछता रहता है जिनका कोई मतलब नहीं। डायरेक्टर को तंग करके रख देता है, हम उसकी टांग खींचना एंजॉय करते थे। हम अटकलें लगाते रहते हैं कि डिस्कशन के दौरान इरफान क्या कहेगा, इरफान क्या क्वेश्चन करेगा, इरफान इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेगा, वगैरह वगैरह। मोस्टली उसके कहने से पहले ही हमारा हंसना शुरू हो जाता था कि अब पता नहीं क्या बोलेगा। वो खुद भी एंजॉय करता था इस चीज को, पर ये भी है कि उसके साथ साथ हम लोग भी उस चीज को सोचने पर मजबूर हो जाते थे। रियलिज्म के हम लोग बहुत दीवाने थे। थिएटर में थिएट्रिकल एक्टिंग चलती है, लाउड। टीचर बोलते थे कि भैया थिएटर में ज्यादा रियलिज्म नहीं हो सकता, लास्ट रो में जो आदमी है वहां तक आवाज पहुंचानी है। ऐसे में इरफान क्या करता, वो मध्यम मार्ग निकालता। रिहर्सल के दौरान अपनी पेस स्लो कर देता था। हम सारे लोग अपनी अपनी लाइनों पर टूट पड़ते थे, बोलकर निकल जाते थे।
इरफान वक्त लेकर बोलता। हम हंसते कि यार ये कब बोलेगा लाइंस, कब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आखिरकार जब प्ले होता था तो वो करेक्ट रिदम में आ जाता था और उसके साथ हम सब भी आ जाते थे। एक तरह से गिव एंड टेक होता था, सबके सुझाव अमल में लाए जाते। इस तरह से हमारे बहुत से प्ले बहुत कामयाब रहे, खास तौर से 3 प्ले। सबसे पहले हमने इडिपस रेक्स किया, किंग इडिपस की कहानी, जिसके नाम से इडिपस सिंड्रोम मशहूर है। इसे मोहन महर्षि ने डायरेक्ट किया था। इसमें इरफान ने टायरेसियस का रोल किया था, जो फ्यूचर बताता है। सम्राट इडिपस के भविष्य में क्या छुपा है वो सब बताता रहता है और राजा डर जाता है। काफी इंटरेस्टिंग रोल था और इरफान का तो लुक भी काफी हद तक फिलोसॉफिकल था, चश्मा वगैरह, इसी वजह से उसे ये रोल दिया गया। उरुभंगम हमारा दूसरा प्ले था। ये महाभारत के भीम दुर्योधन युद्ध पर आधारित एक संस्कृत प्ले था, जिसका हिंदीकरण किया गया था। इसमें इरफान ने धृतराष्ट्र का और बाद में उसकी पत्नी बनी सुतपा ने गांधारी का रोल किया था। मैं दुर्योधन की आत्मा बना था। ये प्ले भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। मुझे अभी भी याद है इरफान और सुतपा की परफॉर्मेंस। सिंगिंग स्टाइल में डायलॉग बोलते थे, बहुत ही बढ़िया। वो इतना खूबसूरत निकल आया था इरफान का पार्ट कि हमारे एक साथी ने यहाँ तक बोला कि ये किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा है। सब ने सराहा था इरफान को। हमारा तीसरा प्ले था एक्सेंट ऑफ फुजियामा। ये हमारा सबसे खूबसूरत प्ले था। इससे हम सारे एक्टर्स प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गए थे एनएसटी में कि ये तो बहुत ही अच्छी बैच है। ये 4-5 परिवारों की कहानी थी। जापान में फुजियामा की पहाड़ियाँ हैं। ऐसा मिथ है कि वहाँ ऊपर जाकर बुद्धिस्ट लोग अपने पापों को कन्फेस करते हैं, जैसे चर्च में कन्फेशन बॉक्स होता है ना, उसी तरह से। तो ये 4-5 परिवार वहाँ पिकनिक करने जाते हैं और फिर बातों बातों में हर एक के पाप बाहर आने लगते हैं। बहुत ही कामयाब रहा ये प्ले, हमारी बैच को संजीदगी से लिया जाने लगा।